कांग्रेस इस तरह से प्रभावी हो गई थी कि उसको मानो लगता था कि यहाँ पर बता रहे थे बस्ता रखने वाले लोग नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब चिंता करने की बात नहीं है, मैं आपसे खुले मंच से कह रहा हूँ और जो विरोधी है वो भी कान खोलकर सुन ले, यहाँ अतुल बाबा भोसले हैं, विक्रम जी हैं और मैं हूँ। कार्यकर्ता के मान सम्मान और स्वाभिमान पर आंच नहीं आने दी जाएगी, ये मेरी जिम्मेदारी, हमारे अतुल की जिम्मेदारी, हम लोग इसको करेंगे। आप निश्चिंत होकर के किसी भी राजनीतिक दल के किसी कार्यकर्ता में वो हिम्मत नहीं है कि राष्ट्रवादी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हो और उसके विरुद्ध इस तरह की बात करें। आज पूरी जैसे मैंने कहा दुनिया देख रही है भारत की तरफ, हमारे प्रधानमंत्री की तरफ, ये देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस देश को रोकने की कोशिश बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैं इस मंच से ये आह्वान करना चाहता हूं कि जिम्मेदारी केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्थकों की, देशभक्तों की और राष्ट्रवादियों की ये जिम्मेदारी है कि हम ऐसे सारे लोगों को जो इस देश को रोकना चाहते हैं, जो इस देश में बढ़ती हुई जो सुविधाएं हैं, जो जरूरतें पूरी हो रही, जो लोगों का जीवन अच्छा बन रहा है, महिलाओं का सम्मान बढ़ रहा है, सशक्तिकरण हो रहा है, देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, पूरी दुनिया भारत माता की जय बोलने को लालायित है, ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए आप सब लोगों को कमर कसनी होगी। केंद्र के हमारे नेता आदरणीय अजय जी मिश्रा साहब आज विशेष रूप से जल जीवन मिशन के तहत हो रही युवती गांव में जो योजना है वो योजना के भूमि पूजन समारंभ के लिए उपस्थित रह रहे हैं। मैं गांव की तरफ से, इस परिसर की तरफ से, कराड़ तालुका की तरफ से मनपूर्वक आभार उनके व्यक्त करता हूं कि आपने इतना समय खर्च करके हमारे इस जनसभा को संबोधन करने का वक्त निकाला। कार्यक्रम के लिए उपस्थित आदरणीय विक्रम जी पावस्कर दादा, हमारे दूसरे नेता आदरणीय प्रमोद जी जठार साहब, कार्यक्रम के लिए उपस्थित हमारे इस मंडल के अध्यक्ष जो खुद भी एक रेसलर है, अखाड़े में कुश्ती करते थे, अभी राजकीय अखाड़े में कुश्ती करते हैं, वो पहलवान धनाजी पाटिल, हमारे चीनी मिल के संचालक दयानंद जी भाऊ पाटिल, कराड़ बाजार समिति के संचालक आदरणीय सुनील जी पाटिल माजी उपसभापति, कार्यक्रम के लिए उपस्थित हमारे मित्र मुकुंद जी सरेगावकर साहब, एकनाथ जी बागड़ी साहब, महिला मोर्चा क्या के कराड़ दक्षिण मंडल के अध्यक्ष आदरणीय श्यामलाताई घोड़के, कार्यक्रम के लिए उपस्थित सवाते से आए हुए हमारे मित्र संजय जी सेवाए, राजू सेठ इनामदार, चंद्रकांत जी बांदेकर, विठल सेठ बलसेटवार, बड़ी तादाद में उपस्थित कराड़ तालुका से आए हुए, उंडाए जिला परिषद गढ़ से आए हुए सारे हमारे तरुण मित्र, ज्येष्ठ नागरिक, इतना समय हो के भी कार्यक्रम के लिए जो उपस्थित है वो हमारी सारी माताएं और सारे हमारे महत्वपूर्ण आए हुए प्रेस के बांधव, लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत सातारा लोकसभा मतदार संघ के एक पालक के नाते आदरणीय अजय जी मिश्रा साहब आज उनका पहले चरण का दौरा कर रहे हैं। अजय जी मिश्रा साहब लखीमपुर खेरी से सांसद है, लोकसभा में 2014 से लेके आज तक काम कर रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में उत्तर प्रदेश की काम किया है, उत्तर प्रदेश के 16वें विधानसभा के विधायक आप रह चुके हैं और आज आप लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। लोकसभा के सांसद होते हुए बहुत सारी कमिटियों पे साहब ने काम किया, अच्छा काम किया और भारतीय जनता पार्टी में अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को संधि दी जाती है,
इसका एक उदाहरण के स्वरूप से आदरणीय अजय जी मिश्रा साहब आपके सामने खड़े हैं कि उन्होंने कमिटी में अच्छा काम किया, सांसद के रूप से अच्छा काम किया, इसलिए उनको मंत्री पद की धुरा दी गई। और आदरणीय अमित भाई शाह साहब के सहकारी इस रूप से वो काम कर रहे हैं। अमित भाई शाह साहब के साथ देश के गृह विभाग का कामकाज आदरणीय अजय जी देखते हैं। आज जो कार्यक्रम कराड़ दक्षिण विधानसभा चुनाव क्षेत्र में होने जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 60 साल से स्वातंत्र के बाद जिस गांव में पीने का पानी लोगों को मिल नहीं पा रहा था, उस गांव में केंद्र के जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत उस योजना से इस गांव में 1,38,00,000 रुपए की योजना आज होने जा रही है। आज इस योजना का भूमि पूजन साहब ने किया। वो योजना का भूमि पूजन होते वक्त इस गांव की, इस परिसर की सारी माताएं बहुत बड़ी तमन्ना लेके इस कार्यक्रम में आई थी कि पिछले 2 पीढ़ियों से जो लोगों को पानी के लिए 1-2 किलोमीटर तक चल के जाना था, 2 किलोमीटर तक जाके पानी के कुंभ से बहुत मेहनत करके पानी घर तक लाना पड़ता था, उनको अपने घर में अपने नल पे पानी मिलने वाला है, इसका बड़ा आनंद ये सारे माताओं को आज इधर हुआ है। आज अपने देश की स्थिति अगर हम देखें तो हमारे देश में 2021 की जनगणना के अनुसार 19,22,00,000 घर है जिन घरों में नल से पानी जाना जरूरी है। अभी इस 19,22,00,000 घरों में से आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब की नेतृत्व में बनी हुई सरकार के माध्यम से आज तक 8,75,00,000 घरों को पानी जा चुका है, मतलब 45% लोगों को इस जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी जा चुका है। यह स्थिति अगर आप 2014 से पहले की देखें तो खाली 3% लोगों को पानी मिलता था, उसके बाद 17% लोगों को यह पानी मिलने लगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने 2019 में घोषणा की कि हर घर जल जाएगा, हर घर में स्वच्छ पानी होगा और हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, ये स्वच्छ पानी पी के सुदृढ़ होके इस देश में काम करेगी, इस देश में जिएगी। और उसके बाद इस देश में एक बड़ी क्रांति आई, उस क्रांति के तहत हर गांव में बड़े पैमाने पे पैसा देने का काम आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब के सरकार ने किया। हमारी सरकार ने आउटले बनाया, मोदी जी के सरकार ने 2024 तक का आउटले बनाया 3,60,000 करोड़ रुपए का, जिसको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा देने की तैयारी इस सरकार ने रखी, जो मांगे उसको पैसा देने की तैयारी रखी। और उसको कभी ये पूछा नहीं कि आप कौन से दल से हो, आप कौन से जाति से हो, आप कौन से नेता के साथ काम करते हो, ये कभी उस नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने पूछा नहीं। जो मांगे उसको पैसा दिया, क्योंकि हर आदमी जो भारत का नागरिक है उसकी सुरक्षा करनी है, उसकी जिम्मेदारी आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब की सरकार रखना चाहती है। मोदी जी ने बड़े पैमाने पे इस देश की सुरक्षा बदलने का काम किया, महिलाओं की सुरक्षा बदलने का काम किया, महिलाओं को सुरक्षित करने का काम किया, देश की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने का काम किया, इस देश के बुजुर्ग है उनको बीमा देने का काम किया, देश के किसान है उन किसानों को बीमा देने का काम किया। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जैसी एक योजना आदरणीय मोदी जी ने देश के लोगों को प्रदान की, जिसमें 6,000 रुपए तक की निधि ये प्रत्येक आदमी के बैंक अकाउंट पे आ जाती है। आज इस देश के हर एक नागरिक के पास बैंक अकाउंट है, जनधन खाते, आज 45 करोड़ लोगों के पास जनधन खाते है। जो लोग बैंक में जाके कोई भी केंद्र शासन का निधि आया हुआ हो तो ठीक उसका एक्सेस वो लोगों को मिल पाता है, इस प्रकार का काम आदरणीय मोदी जी के सरकार ने किया। मोदी जी के सरकार ने एक ठान ली कि एक देश का कोई भी नागरिक आरोग्य की समस्या के लिए पैसा उसको ढूंढना ना पड़े, उसको पैसा नहीं है इसलिए आरोग्य की समस्या छोड़ने में उसको कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए आरोग्य की समस्या छुड़वाने के लिए आदरणीय मोदी जी ने आयुष्मान भारत जैसी एक योजना। क्या है आयुष्मान भारत योजना?
कि इस देश के 17 करोड़ जो फैमिलीज है वो 17 करोड़ फैमिलीज को 5 लाख रुपए का बीमा हर साल देने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार अजय मिश्रा साहब जैसे सहकारी लेके कर रही है। और इसके कार्ड्स के बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ सुना था, लेकिन आज हमारे कराट तालुका में भी ये कार्ड देने का काम आदरणीय अजय मिश्रा साहब के नेतृत्व में हमने किया। ये कार्ड को हम गोल्डन कार्ड कहते हैं। 5 लाख रुपए तक का मदद इस कार्ड के तहत हर एक फैमिली को होने वाली है और इसका फायदा भी हम गांव के बहुत सारे लोगों को, इस शहर के, इस जिला के बहुत सारे लोगों को 100% होगा। इसका भी हम लोगों को एक प्रकार का गर्व है, एक प्रकार का अभिमान। आज इस गांव में आते वक्त मैं साहब को समझा रहा था कि इस परिसर में एक भेगे अलग प्रकार की परिस्थिति थी, अलग प्रकार का माहौल इस सारे परिसर में था। ये अलग प्रकार का माहौल बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी के सामान्य आम कार्यकर्ता ने किया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ लेवल पे तैयार हुआ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तालुका के लेवल पे तैयार हुआ, जिला के पातेई पर तैयार हुआ और इसने इतना अच्छा काम किया कि इस जिला में जो एक वक्त पे कांग्रेस का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता था, उस जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने खुद के बलबूते पे इस जिला में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने का काम किया। इसका अभिमान हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को लगता और इसीलिए आदरणीय मिश्रा साहब पहला कार्यक्रम जो सातारा जिला में देने वाले थे वो हमने यवती में लिया। और ये कार्यक्रम देते वक्त हमने हमारे सरपंच जी को भी बोला कि आज हम ये कार्यक्रम आपको इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने सारे कागज पत्र इकट्ठा किए, आपने फॉलो अप रखा। राज्य में हमारी सरकार थी नहीं तब भी आपने बहुत अच्छे तरीके से फॉलो अप किया और इसीलिए केंद्र सरकार ने आपको एक गिफ्ट दे दिया। केंद्र सरकार ने गांव के लोगों की पानी की समस्या छुड़ाने के बारे में आपको एक आशीर्वाद दिया।